शिवसेना में वर्टिकल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के विद्रोह के कारण एनसीपी दो गुटों में बंट गई। अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसके बाद से अजीत पवार के साथ आए विधायकों के साथ साथ अजीत पवार भी एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार के तौर पर प्रचार करने लगे। एनसीपी किसकी है और इसकी लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इस मामले में आज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई होगी। आज चुनाव आयोग क्या भूमिका निभाएगा, इस बात पर सभी की नजर बनी हुई है। क्या चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा या नई तारीख देगा, ये अहम होगा। शिवसेना में वर्टिकल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के विद्रोह के कारण एनसीपी दो गुटों में बंट गई। अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसके बाद से अजीत पवार के साथ आए विधायकों के साथ साथ अजीत पवार भी एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार के तौर पर प्रचार करने लगे। एनसीपी किसकी है और इसकी लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इस मामले में आज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई होगी। आज चुनाव आयोग क्या भूमिका निभाएगा, इस बात पर सभी की नजर बनी हुई है। क्या चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा या नई तारीख देगा, ये अहम होगा।